आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सुबह हो चुकी है और बन चुकी है मेरी चाय। ये रे मेरी चाय। मेरा फेस थोड़ा सा सूजा सूजा सा लग रहा है क्योंकि मुझे छींकी आ चुकी है 2-3 बार, तो मतलब पूरा ऐसा जुखाम जैसा लग रहा है, पर जुखाम है नहीं, वो ऐसा डेली सुबह का है मेरा। तो उठ गई हूँ मैं और चाय भी मेरी बन गई है। बच्चे भी उठ गए हैं, वो अपना फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो मैं पीती हूँ चाय। मैं एक बार आउट छत में मार कर आ गई हूँ। आज मुझे पूरी अपनी जो ऊपर की छत है ना उसकी क्लीनिंग करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरा। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और फिर मैं जाऊँगी छत। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो मैं वेडिंग में गई थी ना, तो उसमें मैंने म्यूज़िक जो थे वो म्यूट नहीं किए थे, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आया है। अब मुझे उसे फिर से एडिट करना होगा, फिर मैं अपलोड करूँगी। तो मैं पीती हूँ अपनी चाय और फिर लगूंगी अपने काम में। चेरी हमारी इतनी गहरी नींद में सो रही है। आजकल चेरी को बहुत नींद आती है, इतना सोती है, ये सोए पड़ी है। और एज यूजुअल कबाड़ फैलाते हुए संदिग्ध व्यक्ति, गौर से देखिए ये चेहरा, यही है वो चेहरा जो पूरे घर में गंदगी फैलाता है। और ये पता नहीं क्या इसने सींग वींग बना के रखी हुई हैं, ये क्या है, हैं ये सींग, ये किसकी सींग है? सींग नहीं है, यमराज की सींग है ये। और ये बस दिन भर यही कटिंग करता रहता है। इसका पेपर चालू होने वाले हैं लेकिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसको, इसको आज पढ़ेंगे डंडे। और ये जूते के डिब्बे, मतलब मैंने शूज़ जो वगैरह मैं भर के रख देती हूँ ना गंदे ना हो, जैसे ज़्यादा पहनते नहीं सैंडल वैंडल, तो ये उनको निकाल के लाया है, मतलब फेंक के आ गया है और ये लेके चला आया है। और ये पंखे के जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पत्तियाँ जो होती हैं, तो ये मैं रख देती हूँ, जैसे वो वाले होते हैं ना, इनका क्या बोलते हैं, वारंटी होती है इनकी, गारंटी क्या होती है, तो उसके लिए मैंने रखे हुए थे। अब ये अभी निकाल के आ गए हैं और ये ऐसे ही कबाड़ फैलाते रहेंगे पूरे घर में। कम कबाड़ फैला हुआ होता है, सबसे ज़्यादा यही फैलाता है, यही कबाड़ी है सबसे ज़्यादा। और इसको घर से बाहर निकाल के मैं फेंक दूँ ना, तो मेरे घर का जितना अभी गंदगी है ना वो अपने आप साफ़ हो जाए। बेटू बना रही है चाय। आज बेटू को मैंने काम दिया है, बेटू चाय बनाएगी, तो फिर हम बैठ कर पियेंगे चाय। और भैया ने ये मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है, इसकी भैया ने एक टांग तोड़ दी है, तो मेरा व्लॉग अब मतलब ऐसे बन नहीं पा रहा है, सिर्फ मैं हाथ में लेके बना रही हूँ। और ये वाली शटर लाई थी मैं और भैया ने यहीं पे फेंक दिया है। और कल हो गया हमारी छत की धुलाई, एकदम पूरी साफ कर दूँगी मैं छत को। तो अब हम चाय का इंतज़ार कर रही हूँ मैं बैठ के, बेटू बना के ला रही है चाय और हम पियेंगे चाय, फिर आगे काम में लगना है। काम वैसे कुछ है नहीं, सब खाना बनाना है अभी, मुझे बर्तन धोने हैं यार, बहुत काम रहता है मेरे पास, आई एम सो बिजी यू नो। उस दिन ना जो ये बेटों ने बनाया था एक्टिविटी के लिए, मिली थी इनको बसंत पंचमी की, वो मैंने दिखाया ही नहीं, तो गिरी जा रही है, रख दिया था। ये बनाया बेटू ने, तो मैंने भी इसमें मेहनत की थी, सिर्फ बेटू ने की थी, तो ये इसे अच्छा लग रहा है। इसको मैं सोच रही हूँ ना कहीं यहाँ पे वॉल पे कहीं इसको हैंग कर देती हूँ, अच्छी लग रही है। और ये फ़ोन मेरा इतना गंदा फ़ोन, इतना गंदा फ़ोन है ना, मतलब कभी काला कर देता है, कभी एक्स्ट्रा गोरा कर देता है, ये देखो गोरा कर दिया अचानक से, बस ऐसा ही फ़ोन है ये। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कहीं पर लगा दूँगी। और बेटू अदरक कूट रही है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो खाने में आज बनने वाला है, मैं मार्केट गई थी अब शटर लेने, तो मैं पनीर ले आई थी, तो आज बनेगी बटर पनीर मसाला बोलते हैं कि पनीर बटर मसाला, अब जो भी बोलते हो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं वो बनाने वाली हूँ। तो सारा मैंने तैयारी कर ली है और अब स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, क्योंकि 8:30 बज चुका है, तो बनाती हूँ क्योंकि बनने में टाइम लगेगा और फिर खाएंगे और टाइम से सोएंगे। तैयारी मैंने कर ली है, मैंने टमाटर एक बड़ा टमाटर ले लिया, प्याज छोटी छोटी सी थी ना तो मैंने 4-5 ली है, और 2 मिर्ची हैं,
लहसुन है और ये अदरक हो गई, और ये है इसको क्या बोलते हैं, करी पत्ता बोलते हैं, तेज पत्ता। तो ये मैंने दो लिए जब मैं मसाला भूनूंगी तब के लिए। और ये पनीर है मेरी, पनीर थोड़ी भैया ने खा भी ली है, और ये बटर, बटर भी भैया खा चुका है। और ये कुछ खड़े मसाले इसमें ना, मैंने धनिया है और इसको क्या बोलते हैं, ये फूल जैसा होता है, और दालचीनी है, लौंग है, ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं रख के। और ये फ्रेश मलाई है, इसको फेंट के मैं इसमें डालूंगी। और ये दो लाल मिर्च है, इसको मैंने ना विनेगर में भिंगो कर रख दिया है, और फिर बाद में मैं इसी को इस मसाले के साथ पीस लूँगी, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये है कसूरी मेथी जो कि पड़ेगी इसमें, और ये है पनीर मसाला। मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, तो इसलिए छोटा पैकेट ले लेती हूँ मैं। तो अब हम कढ़ाई को करेंगे अपने गर्म। तो कढ़ाई अब इसमें अभी थोड़ा सा पानी इसको सूखने देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और ये आ चुका है हमारा हीरो, ये पता नहीं यही सब बनाने कबाड़ बना रहा है, और पता नहीं क्या बना रहा है ये भैया, क्या है इसमें ये ऐसा निशान क्यों लगा हुआ है? हाँ क्या बना रखा है ये तुमने? अच्छा ठीक, आयरन मैन का मास्क है। तो यही भैया बना रहा था, इसी की काटा पीटी कर रहा था। तो इसमें तो सींग भी थी, वो सींग कहाँ गई? वो सींग नहीं थी। हाँ ये, अच्छा ये था, ओ मुझे लगा वो सींग है, तुम ऐसा लगाओगे मुकुट लगाओगे तो। हाँ ठीक है, बस अब घर में कहीं फैलना नहीं चाहिए ये सामान। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब इसमें जाएगा हमारा बटर, क्योंकि ये है पनीर बटर। तो इसमें मैं पहले ये सब जो वो है ना, इसको फ्राई करने वाला हूँ, तो ये डाल लिया। इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइन ऑयल भी डालूँगी, बस ज़रा सा, और इसको गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें अपने मसाले भूनेंगे। ये गर्म, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी प्याज, प्याज को थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो अब इसमें जाएगा हमारा लहसुन, इसको भून लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और मिर्ची, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं तब तक ये जो खड़ा मसाला है ना, इसको मैं रोस्ट करना भूल गई हूँ। तो मैं इसको, मैंने इधर तवा गर्म कर लिया है, मैं इधर डाल देती हूँ और ये इधर रोस्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर इसका पाउडर बना लेंगे। ये रोस्ट हो गया है, मैं इसमें वैसे काजू पड़ता है लेकिन काजू ख़त्म है, तो मैं बादाम डाल दे रही हूँ। और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट करके इससे ना थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में। और इसको भी रोस्ट करूँगी, साथ साथ में मैं टमाटर भी इसमें अच्छे से भून लूँगी। ये मसाला हमारा भुन गया है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये जो प्याज टमाटर है सब अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये जो मसाले मैंने भुने थे, इनका मैंने ऐसा पाउडर बना दिया है, और ये मैंने ऐसा मसाला डाल लिया। इसको ठंडा करके पीसना ज़्यादा ठीक रहता है, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है ठंडा करने का, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। तो ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं, मतलब वही प्याज लहसुन वगैरह। और ये जो मैंने 2 लाल मिर्च जो है विनेगर में मैंने भिगो कर रखी थी, तो मैं उसको भी इसमें पूरा डाल दूँगी, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। तो कढ़ाई हो गई है गर्म, और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी हमने मसाले भुने हुए थे, तो उसी हिसाब से डालना है। ओह शिट, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। और अब जाएगा इसमें बटर, बटर इतना ही डालेंगे, इसको हम पिघलने देते हैं। तो अब सबसे पहले जाएगी इसमें हींग, हींग ऑप्शनल होती है, मतलब पनीर वैसे नहीं डालते लोग, लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पनीर की, मतलब हींग की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर इसमें हमारा जाएगा जीरा पाउडर, मैं जीरा क्योंकि मैंने मसाले में नहीं भुना था, क्योंकि पाउडर बनाकर मैं रखती हूँ बच्चों की वजह से। और अब इसमें जाएगा हमारा ग्रेवी, इसको हम भूनते हैं, वैसे ये थोड़ी सी चिपकेगी कढ़ाई पे, क्योंकि बादाम तो थोड़ा थोड़ा सा चिपकेगा। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से, जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगता। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, और फिर जाएगा इसमें हल्दी, कलर तो चाहिए ना।
और इसको भुनने देते हैं। सो मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुनने वाला है, तो मैं इसमें ये मसाले डाल देती हूँ जो मैंने खड़े मसाले भुने थे, और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पनीर मसाला डालूँगी बस, और इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। अब बारी आती है हमारी कसूरी मेथी की, तो कसूरी मेथी इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इसको ताकि इसकी स्मेल आ जाए अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी मलाई जो मैंने फेंट दी है, ताज़ी मलाई है, क्रीम पड़ती है लेकिन क्रीम मैं लाई नहीं, भूल गई, तो मैंने मलाई डाल दी है फ्रेश। तो इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो ये ग्रेवी मेरी ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी, एक कटोरी पानी डालूँगी, उसको थोड़ा देर पकने दूँगी क्योंकि इसमें पनीर भी डालना है। तो अब मैं इसे पनीर भी डाल दूँगी, पनीर मैंने फ्राई नहीं किया, ऐसे ही डाले हैं, फ्राई करने के बाद थोड़े वो हो जाते हैं इसलिए ऐसे ही डाल दिए। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, बस मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। सैलेड जिसको मैंने थोड़ा सा सजाने की कोशिश की है, और ये रहा नींबू, तो हम इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और नींबू की जैसे निचोड़ देंगे। नहीं हो रहा। ये डायलॉग किसका है अगर आपको पता है? जैक। कमेंट करके बताइएगा। आगे एंड का। चुप रहो यार, जिसके घर में कार्टून चलता होगा उसको पता होगा। चुप हो जा दद्दू मेरे। तो खाना हो गया हमारा, मतलब डिनर हमने कर लिया है, और अब मैं खाने वाली हूँ कस्टर्ड जो कि मैंने बनाया था। दिख रहा है? ये सफ़ेद दिख रहा है। वाइट दिख रहा है। तो मैं कस्टर्ड खाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि पता नहीं क्यों खाना बनाते बनाते मैं ना मेरे सर में हल्का हल्का सा भारी होने लगा है, तो मुझे लगता है खा के मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए, वरना ज़्यादा देर जगना ना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, सर दर्द तेज़ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। मैं खाऊंगी और सो जाऊंगी, और ना आजकल पता नहीं क्या मैं अच्छी नींद सो रही हूँ, मतलब मैं जल्दी सो जाती हूँ, नहीं ऐसे क्या होता था 12-1 बज जाता था मुझे नींद ही नहीं आती थी। और अभी आजकल मैं हो गया 2-4 दिनों से ना, मैं मुझे 10 बजे में लेट जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाती हूँ, तो सो तो जाती हूँ पर मैं सपने बड़े अजीब अजीब से देखती हूँ। मेरे सपनों में पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है, और मुझे याद भी रहते हैं, ऐसे मुझे सपने याद नहीं रहते लेकिन अब मुझे याद रह रहे 2 दिन से हो गया। परसों के दिन जो मतलब कल के पहले की वाली रात थी, उसमें मेरे पीछे जॉम्बी पड़े हुए थे। वो मुझे दौड़ा रहे थे, मैं भाग रही थी उनसे, छुपती फिर रही थी जान बचाती हुई अपनी। अरे इस तरह करती ना जॉम्बी तेरे। और कल रात में क्या हुआ? कल रात वाले तो बहुत ही ज्यादा फनी है। मैं बता, कल रात में मेरे सपने में थायनोस और थानोस मुझे मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ऑलरेडी ड्रामा कर रही थी कि मैं मर चुकी हूँ। थानोस इतना बुद्धिमान होता है तो स्नैप कर। तो पता नहीं क्या उल्टे सीधे सपने देख रही हूँ, मुझे याद रह रहा है सपने। आयरन मैन भी तो क्या, आयरन मैन तुम करते रहोगे आयरन मैन। तो सपने अजीब अजीब से आ रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैं अब इस व्लॉग को कर देती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।